Hi guys, so this is Shantima and today is my vlog number 3. तो आज के vlog में हम बनाएंगे banana cake जो 15 minutes में आपके पास ready हो जाएगा और easy recipe है, frying pan में आप उसको बना सकते हैं। तो उसकी recipe के लिए फिर चलते हैं, तो आए फिर चलते हैं उसको बनाते हैं। चलें, ये हमने एक केला डाल देना है और उसके अंदर अब एक हमने एक अंडा डाल दिया है। अब हम केले को मैश करेंगे। अब रीस को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें, चना जी, अब ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। ये जी इतनी सी नमक डाल देनी है, हसबे जाएगा आप देख लें, अगर आपको इतनी ज़्यादा लगती है तो थोड़ी सी पीछे काम कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल देना है। तो ये ऑयल डाल गया इसके अंदर। चलो जी, आप ये देख रहे हैं ये वनीला एसेंस है, ये फूड फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। तो अब हमने इसको इसमें डाल दिया, तो इसको 2-3 चीज़ें और डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे जी। अब 1 कप के अंदर हमने ले लिया मैदा, आधा कप में, और अब इसी के अंदर हम बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। अंदर अब हमने मैदा भी डाल दिया और बेकिंग पाउडर भी डाल दिया। अब हम इनको इसके अंदर डाल देंगे, सारा नीचे हम इसके अंदर डाल देंगे, इन डाल देंगे। ये चीनी डाल दी, अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर मैदा डालेंगे, इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी मिक्स है। तो ये जी अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये अब हम इसको मिक्स करने के बाद फिर ये एक ये तैयार हो रहा है और दूसरा एक ये तैयार हो चुका है बर्तन, ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो जी अब हमारा बनाना केक का बैटर रेडी हो गया, तब हम इसको फ्राइंग पैन में डाल देंगे। तो चलें चलते हैं। तो ये जी देखिए, अभी हम इसकी ग्रीसिंग कर रहे हैं, तो ये इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि जो केक होता है ये स्टिक ना हो। वैसे तो हमारा जो फ्राइंग पैन है वो नॉन स्टिक है, तो उसका इतना मसला नहीं, लेकिन चलो एहतियात ज़रूरी होती है। तो ये जी अब रेडी हो चुका है, तो चलें जी जरा जी अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये देखें अच्छी तरह स्प्रेड कर देना। तो अभी ये जो देखें इसके अंदर हमने इसको स्प्रेड कर दिया है, तो ये अच्छी तरह ये फैल चुका है। तो इसको अब हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे थोड़ी देर तक। ये जी हमने लो फ्लेम पर रख देना है और इसको 4 से 5 मिनट के लिए बेक करना है, ना ज़्यादा मीडियम फ्लेम रखना है और ना हाई करना है, और 4-5 मिनट के लिए रखना है इसको, इसको रेडी होने देना। तो ये देखिए अब इसकी एक साइड रेडी हो चुकी होगी, अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। ये देखें ये ब्राउन कलर आ गया, देखें कितना खूबसूरत सा ब्राउन सा हो गया। और अब हम इसको दूसरी साइड के लिए 1-2 मिनट तक बेक करेंगे, तो तब तक के लिए वेट करें। चलें जी, ठीक है जी अब हम इसको निकाल लेंगे। ये जी देखें अब रेडी हो चुके हैं।
जी ये केक रेडी हो चुका है और हमने तो अभी इसको सिंपल रखा है, लेकिन आप इसके ऊपर, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर बल्कि, और बनाना भी रख सकते हैं कट करके जैसे भी, और वैसे डिफरेंट आप टॉपिंग्स रख सकते हैं ऊपर जैसे आप चाहें। तो हम इसके ऊपर सिरप डालेंगे, तो ये देखें तो ये जी देखें कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। वैसे तो इसको हम ओवन के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको फ्राइंग पैन में इसलिए बना के दिखाया है कि इसको हम फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, ये इसलिए ताकि अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो उसको फ्राइंग पैन में कैसे बनाए। ये देखिए कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। तो जी अब हम केक काट लेंगे। तो आज हमें बताएं किसकी बर्थडे है, तो ये उसकी, उसके लिए भी ये केक हो जाएगा जिसकी बर्थडे आज, उसको बहुत सारी विशेस। तो ये देखें वो बाहर निकलिया, तेन की हो गया है। चलो जी अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं। ये देखें ये देखें बहुत फ्लफी है, ये देखें ये देखें। तो जी अब देखा केक रेडी हो चुका है, तो अब हम उसको ज़रा टेस्ट करके देख लेंगे। तो जी लाएँ ज़रा, तो जी ये केक खाने के बाद आप कहेंगे कि चीमा साहब चस्क करा दी। तो जी फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अगर आपने भी खाना तो खा लेंगे। तो जी ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।